हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल नवजोत टॉक्स मैं हूँ नवजोत आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल स्पोर्ट वर्कर प्रोग्राम के बारे में पर्सनल स्पोर्ट वर्कर प्रोग्राम जो होता है वो कैसा प्रोग्राम है कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है फिर आपको किस टाइप की जॉब करनी पड़ती है उसका स्कोप कैसा है और कितनी मनी आप बना सकते हैं उसमें पर्सनल स्पोर्ट प्रोग्राम जो है वो सिक्स टू एट मंथ्स का प्रोग्राम होता है जिसमें आपकी इंटर्नशिप होती है किसी लॉन्ग टर्म केयर होम में या किसी हॉस्पिटल में होती है और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है अपना एग्ज़ाम लिखने के बाद मतलब आपके जो कॉलेज का एग्जाम होता आपके होती है आपके असाइनमेंट्स होते हैं वो सब कंप्लीट करने के बाद मतलब कोई लाइसेंश एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ता जैसे आर और आर में देना पड़ता है और फिर जब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल सपोर्ट वर्कर की जॉब्स होती हैं उनमें आपको ट्वेंटी डॉलर्स के आसपास सैलरी मिलती है स्टार्टिंग के वेजेस हैं और थ्री डॉलर ऑनटारियो में तो स्पेशली गवर्नमेंट देती है बोनस है वो क्योंकि कोविड के टाइम पे वो शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो चल रहा है और मे बी शायद फ्यूचर में भी चलता रहेगा तो अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी तो थ्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री डॉर्स एन आवर पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स बना सकते हैं विच इज़ वेरी गुड कम्पेयर टू अदर अदर और जॉब्स विच आर डूइंग और ये जो प्रोग्राम होता है ये आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑफर कर रहे हैं उनमें से किसी भी कॉलेज में आप कर सकते हैं उसके लिए आपके पास स्टूडेंट परमिट हो सकता है आप परमानेंट रेजिडेंसी हो सकती है बेस्ड ऑन कॉलेज किस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अब उसमें स्किल्स क्या है आपको कैसे जॉब टास्क दिए जाते हैं जब आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम को कर लेते हैं उसकी जॉब करते हैं उसमें आपको रेजिडेंट्स को या पेशेंट्स को रेजिडेंट मतलब जो ओल्ड एज होम में लोग रहते हैं उनके लिए रेजिडेंट वर्ड यूज करते हैं लेकिन हॉस्पिटल uh, में जो है वो पेशेंट्स पेशेंट्स को रेजिडेंट्स को आपको हेल्प करनी पड़ती है उनकी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ब्रश करना आ, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना अपना ब्रीफ चेंज करना हम यहाँ पे डायपर नहीं यूज़ कर सकते रेजिडेंट्स के लिए पेशेंट्स के लिए उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम ब्रीफ बोलते हैं तो उनका ब्रीफ है जो भी है उनका मतलब को, जो कि उनके अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं उनको चेंज करना उनकी क्लोदिंग चेंज करना उनका उनको ड्रेसअप करना उनको खाना खिलवाना ट्रांसपोर्ट करना उनको व्हील चेयर से बेड पे बेड से व्हील चेयर पे मतलब जो भी एक्टिविटीज़ उनकी डेली लिविंग की होती हैं जो वो खुद नहीं कर पा रहे हैं चाहे तो अपनी डिजीज़ की वजह से चाहे अपनी एजिंग की वजह से तो उनमें उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स जो हैं उनमें बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए क्योंकि स्पेशली जो ओल्ड एज में पीपल होते हैं उनमें थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है कंपेयर टू तो जो नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं क्योंकि ओल्ड एज में डिमेंशिया भी होता है अल्जाइमर हो जाता है तो और वैसे भी बॉडी जो है उनकी स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट और फ्रेजाइल हो जाती है फिर जो आपकी जो आप, आपको जब काम करना पड़ता है आप में बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए आप चीज़ों को लिसन करने वाले होने चाहिए हो सकता है कोई जो ओल्ड एज पर्सन है जो ओल्ड पर्सन जो है वो किसी चीज़ को रिपीट कर रहा हो बार बार या फिर आपको रिपीट करना पड़े बार बार तो थोड़ा पेशेंस होना चाहिए डेडिकेशन होनी चाहिए और सिर्फ मनी के लिए नहीं आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है क्योंकि आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं uh, बहुत सारा टाइम पहले जो नर्सेस थी वो इसीलिए आती थी इस फील्ड में बिकॉज उनको ये प्रोफेशन पसंद था उनको ये प्रोफेशन चाहिए था नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी तो अभी बिकॉज शॉर्टेज बहुत है और बहुत सारे कॉलेजेस ये प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं तो आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ मनी के लिए जाना है ऑफकोर्स मनी मैटर्स स्पेशली कंट्रीज लाइक कनाडा अमेरिका यहाँ पे तो खर्चे इतने ज्यादा हैं तो मैटर तो करती है मनी लेकिन उसके साथ आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए आपको इस प्रोफेशन में तब भी आना है जब आप फुली अपना समर्पण कर सकते हैं उन एट आवर्स में आप ख़ुद को डेडिकेट कर सकते हैं कि आपको कोई कुछ बोल भी देता अगर तो आप लिसन करने वाले होने चाहिए क्योंकि हमारे जो कानून है हमारे जो लॉज है उनमें अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं दैट विल बी दैट विल बी कंसिडर एज अब्यूज़ और किसी को अगर अच्छी केयर नहीं प्रोवाइड करते हैं निगलैक्ट है अगर किसी को गलत वे से डील कर रहे हैं तो माल प्रैक्टिस ऐसी चीज़ें लॉज में है uh, तो अगर अगर कोई आपको पेशेंट कुछ बोल देता है आगे से बिकॉज दैट इज़ अ पेशेंट राइट और कोई अगर ओल्ड पर्सन आपको कुछ बोल देता है बिकॉज दे आर योर कस्टमर्स तो कस्टमर्स का फीडबैक देने का तो एक्सपेक्टेड है आपको बोल सकते हैं कि इसने मेरी अच्छी केयर नहीं की है इसने तो आपको आ, इरिटेट नहीं होना है आप में वो डेडिकेशन होनी चाहिए आपको अपोलोजाइज करना आना चाहिए तो इस तरीके की आपकी जॉब है फिर आपको कोई भी अगर चेंज है रेजिडेंट की कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन में तो उसको रिपोर्ट करना है अपनी नर्स को अपने सुपरवाइज़र को टाइम टू टाइम ताकि उसकी केयर की कीयर जो है उसको मॉडिफाई किया उसको मॉडिफाई किया जा सके थोड़ा प्लान को चेंज किया जा सके आ, उस क्योंकि जो नर्स होते हैं वो आपकी सुपरवाइजर कंसिडर होगी जो आर होगी या आर होगी तो आपको उनके अंडर वर्क, वर्क करना है और अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म केयर होम्स पीपल कैन ऑल्सो वर्क इन द कम्युनिटी कम्युनिटी में भी जैसे कभी छोटे बच्चे होते हैं या कुछ बेड रिडन पेशेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट कुछ फंड्स देती है कुछ जिनको गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है तो लोग घर में भी पर्सनल स्पोर्ट वर्कर रख लेते हैं क्योंकि उनके पास खुद केयर करने के लिए उतने स्किल्स नहीं है या तो या उनका टाइम फ्रेम ऐसा है कि वो हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए तो भी वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर को हायर कर लेते हैं छोटे बच्चे की अगर किसी की जी फीड चल रही है या कोई बच्चा बीमार है किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो गवर्नमेंट उनको कुछ मनी दे रही है अपनी केयर के लिए किसी को रखने के लिए तो आप कम्युनिटी में भी जॉब कर सकते हैं कम्युनिटी के जॉब में आपको दिन में दो घंटे जाना उनको शावर देके के आना उनको बात देके के आना है उनको खाना खिला के आना है और हो सकता है किसी को सुपरवाइज करना हो जस्ट क्योंकि वो सारा काम खुद कर सकता हो लेकिन कोई मेंटल कंडीशन ऐसी हो या कुछ फिजिकल कंडीशन ऐसी हो कि वो अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है तो इस तरह की जॉब जो है वो आपको करनी पड़ेगी पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है अगर आपको हेल्थ सेक्टर में आना है बहुत अच्छा प्रोग्राम है अगर आपको मिनिमम वेजेस से ज़्यादा कमाने हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है अगर आपको आ, ऐसी जॉब चाहिए जिसका एक फिक्स्ड स्केडूल हो एट आवर्स का कि सेवन टू थ्री है सिक्स थर्टी टू टू थर्टी है एक बहुत अच्छी जॉब है जिसमें आपको सपोर्ट मिलती है अपनी नर्सेज की अपने साथ के जो आपके पी सी पी जो पी एस डब्ल्यू जो हैं उनकी सपोर्ट मिलती है तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोफेशन है बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है जिसमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोग पीसीपीज़ को और नर्सेज़ को तो इस प्रोफेशन में आप आ सकती हैं अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं मैं ट्राई करूँगी जल्दी से कोई वीडियो बनाने की ताकि आपको उसके बारे में गाइडेंस दे सकूँ थैंक यू मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय